खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुंगेली की, यहाँ सहायक शिक्षकों की हड़ताल का मामला सामने आया है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि बातचीत से रास्ता निकलता है, बातचीत करना चाहिए। कोरोना काल में 1.5 साल स्कूल बंद रहे, ऐसा सीएम ने कहा है। ऐसे में क्या शिक्षकों का हड़ताल करना सही है, क्या उचित है, ऐसा सीएम ने सवाल किया है, ऐसा टीचरों से पूछा है। समस्या का समाधान बातचीत से होगा, ऐसा सीएम ने कहा है। तो सहायक शिक्षकों की हड़ताल का मामला तूल पकड़ते जा रहा है, सीएम ने इसमें एंट्री कर लिया है। सीएम ने कहा कि बातचीत से इसका समाधान निकलेगा, लेकिन हड़ताल करने से क्या हल निकलेगा, ये सवाल शिक्षकों से पूछा है। सीएम ने कहा कि 1.5 साल तक स्कूल बंद रहे, ऐसे में सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत से रास्ता निकलता है, बातचीत करना चाहिए। कोरोना काल में 1.5 साल स्कूल बंद रहे और ऐसे में अब सीएम ने कहा कि शिक्षकों का हड़ताल करना उचित नहीं है और ऐसे में शिक्षकों को हड़ताल नहीं करना चाहिए, जबकि बातचीत करना चाहिए, बातचीत से समाधान निकलता है, समस्या का हल निकलता है। सीएम ने बातचीत करने की अपील की है। बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी देखिए, आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें एक तो स्कूल वैसे 1.5 साल से बंद था और ऐसे में शिक्षकों को हड़ताल करना क्या उचित लगता है? बातचीत करना चाहिए, क्या हड़ताल करने से समस्या का हल हो जाए?